यूपी पुलिस ने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को नजरबंद कर दिया है। उनके घरों के बाहर पुलिस तैनात है। कांग्रेस विधायक अजय कुमार लल्लू, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद समेत कई नेताओं को उनके घर में ही नजरबंद कांग्रेस की तरफ से किया गया। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करने वाली। आपको बता दें कि आरोपी छात्रों की मां की तरफ से प्रियंका गांधी से मदद मांगी गई थी और अब चिन्मेदा रेप केस है वो एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। कई नेताओं को जो है नजरबंद पुलिस की तरफ से किया गया। तो कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद, अजय कुमार लल्लू घर में नजरबंद किए गए हैं। तो चिन्मेदा रेप केस में मामले पर कांग्रेस का जो हल्ला बोल है वो जारी है। लगातार आरोपी छात्रा को रिहा करने की जो मांग है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की जो वो मांग है कि आरोपी चिन्मेदा के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया जाए, रेप पीड़िता को तुरंत जेल से जो है वो रिहा किया जाए और उसके परिवार को सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है सरकार सुनिश्चित करे। तो बता दें कि पीड़िता की मां से जो है मदद प्रियंका गांधी से मांगी गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो चिन्मेदा रेप केस मामले पर कांग्रेस का जो हल्ला बोल है वो जारी है। प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस का प्रदर्शन है। तो यूपी पुलिस ने कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को उनके घर में ही कैद कर दिया है ताकि प्रदेश का जो माहौल है वो खराब ना हो। तो कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का क्या कुछ कहना है पुलिस की कार्रवाई को लेकर वो सुन बातें। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण कदम है कि न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है, एक रेप पीड़िता की आवाज बन के कांग्रेस पार्टी यहाँ शांतिपूर्ण पदयात्रा निकालने के एक संकल्प लिया गया है और उसको रोका जा रहा है। क्या वजह है कि यहाँ कौन से किस शांति का उल्लंघन किया जा रहा है? हमने पहले ही कह दिया कि हमारी यात्रा यहाँ से लेके लखनऊ तक जाएगी और उस पीड़िता की आवाज़ बुलंद करेगी जिसे न्याय की गुहार कर रही है। तो ये कौन सा हमने कानून का उल्लंघन किया? तो आपने सुना कि किस तरह से पुलिस की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण जितिन प्रसाद की तरफ से ठहराया गया है। तो प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन है और इसी को लेकर यूपी पुलिस जो है तो सतर्क हो गई और कई कांग्रेसी नेताओं को नजरबंद किया गया है, यानी उनके घर में ही उनको कैद कर दिया गया है ताकि प्रदेश का जो माहौल है वो ना बिगड़े। तो अभी भी प्रदर्शन जो है वो लगातार कांग्रेस का जारी है। तो वहीं पुलिस कई कांग्रेसी नेताओं को नजरबंद अब तक कर चुकी है। तो चिन्मेदा रेप के इस मामले पर कांग्रेस का हल्ला बोल है और आपको बता दें कि आरोपी छात्रा की मां की तरफ से प्रियंका गांधी की से मदद जो है वो मांगी गई थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही जो है समर्थन में है आरोपी छात्रा और उसके परिवार के, और ऐसे में ये जो हल्ला बोल है वो अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से जारी।